आइडियल तो ये होना चाहिए था कि जिसका मैंडेट आया है, जिसको अवाम ने सेलेक्ट किया है, उसी को आप हुकूमत बनाने देते हैं और बड़े खुले दिल से आप ये बात कहते हैं। आप बतौर अपोजिशन भी तो एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं ना, आप पॉलिसीज़ आपको लगता है कि सही नहीं है उसके ऊपर एतराज़ उठा सकते हैं, वो भी एक बहुत अहम काम है। क्यों सिर्फ और सिर्फ इक्तदार से जुड़े रहना ही आपके लिए अहम है? जी डॉक्टर फारूक उस्ताद, क्यों अहम है? देखिए, इक्तदार का वो जुड़े रहना चाहते हैं जिनके दिल में चोर है, जिन्होंने चोरी की हुई है, उनके ऊपर मुकदमे अभी भी हैं, बहुत सारे माफ़ करवाए हैं, उनका सारा फोकस ही उस पर होता है और दूसरा होता है लूट मार के ऊपर। ये कोई लोगों की खिदमत करने तो नहीं आए होते, खिदमत करने वालों के लिए इक्तदार अहम नहीं होता। हाँ, वो नहीं होता। ये तो ये इसलिए आए हुए हैं कि ये वहाँ पे अपना ध्वंस जमा के और फिर अपनी मनमानी कर सकें और लोगों को गुलाम बना सकें, लेकिन ये ज़्यादा चलता नहीं है। इससे फिर आप कई दफ़ा ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ भी मुड़ जाते हैं। जब लोगों का मैंडेट छीनते हैं तो आप यानी जो पीसफुल एक मकसद होता है हुकूमत तब्दील करने का, उससे आप हट जाते हैं। जब पुरअमन तरीके ख़त्म हो जाते हैं तो फिर दूसरे तरीके सामने आ जाते हैं, जो हमने दुनिया के बहुत से ममालिक में देखा। सुधारा उस तरफ पाकिस्तान को मत ले जाइए।